हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और सी प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ के एक और वीडियो लेक्चर में मैं आज आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पॉइंटर्स को। फ्रेंड्स, पॉइंटर जो है सी लैंग्वेज में काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए एक कड़वी गोली की तरह साबित होता है। तो पॉइंटर से काफ़ी सारे स्टूडेंट घबराते हैं, उनको लगता है कि ये काफ़ी कठिन टॉपिक है। बट मैं आपको बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से, और बिल्कुल ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक बेसिक लेवल से मैं एडवांस लेवल तक पॉइंटर को ले जाऊंगा और छोटे छोटे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो शुरू करते हैं पॉइंटर की डेफिनेशन से। ठीक है, सबसे पहले मैं पॉइंटर की एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। अ पॉइंटर इन सी लैंग्वेज, अ पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज अ स्पेशल वेरिएबल, इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन स्टोर द मेमोरी, विच कैन स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये पॉइंटर का एक मैंने डेफिनेशन, एक पॉइंट लिखा है पॉइंटर के लिए। अ पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स। तो सी लैंग्वेज में पॉइंटर क्या होता है, एक वेरिएबल ही होता है, लेकिन ये एक स्पेशल वेरिएबल है। अगर हम इससे पहले जो वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि इंटीजर वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल, तो ये सारे जो वेरिएबल्स थे ये अपने अंदर क्या स्टोर करते थे, कुछ डेटा स्टोर करते थे। लेकिन पॉइंटर के अंदर हम कोई डेटा ना स्टोर करते हुए हम एड्रेस को अज अ डेटा स्टोर करते हैं। पॉइंटर के अंदर हम एड्रेस स्टोर करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल का। जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी जो वेरिएबल है वो मेमोरी में स्पेस कंज्यूम करता है, और जो मेमोरी का स्पेस होता है वो उनके कुछ एड्रेसेस होते हैं, है ना। जैसे हमने सपोज़ एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, इंटीजर ए, और इसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन कर दी 10। ठीक है, अब ऐसा लिखने से क्या होगा कि मेमोरी में एक ब्लॉक तैयार हो जाएगा, कितने साइज का, 2 बाइट्स का, क्योंकि सी लैंग्वेज में इंटीजर 2 बाइट कंज्यूम करता है। तो इसका कुछ एड्रेस होगा, सपोज इसका जो एड्रेस है वो 100 से स्टार्ट हो रहा है और 102 पे एंड हो रहा है। ठीक है, एड्रेसेस को यहाँ तो मैं 100 और 102 लिख रहा हूँ, बट एड्रेसेस एक्चुअल में क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे कुछ हेक्साडेसिमल लेटर्स हो सकते हैं, 0x इस तरीके से। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपको पता होगा। तो अभी तो फिलहाल मैंने जो एड्रेसेस लिखे हैं वो नॉर्मल डेसिमल फॉर्म्स में लिख दिए हैं, 100, 102। तो इंटीजर का एड्रेस, इंटीजर ए नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, तो ये ए नाम का एक मेमोरी ब्लॉक तैयार हो गया और इसका एड्रेस है 100 से 102, और इसके अंदर ये 10 रखा हुआ है। तो हम एक इंटीजर के अंदर तो एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, कोई नंबर स्टोर करते हैं। और अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका ये जो एड्रेस है, ये जो स्टार्टिंग एड्रेस है, ये पहला एड्रेस जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस। ठीक है, तो ये बेस एड्रेस अगर मुझे स्टोर करना है किसी दूसरे वेरिएबल में, तो वो वेरिएबल कोई नॉर्मल इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट वेरिएबल नहीं होगा, वो एक पॉइंटर होगा। और अगर मुझे इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो मुझे पॉइंटर बनाना पड़ेगा, और वो पॉइंटर भी कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर मुझे कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो उसके लिए जो पॉइंटर होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले एड्रेस को हम बोलते हैं बेस एड्रेस। किसी भी वेरिएबल का जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है उसको हम बेस एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिखा है, अ पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज अ स्पेशल वेरिएबल। पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो अपने अंदर मेमोरी एड्रेस रखता है किसी दूसरे वेरिएबल्स का। नॉर्मल वेरिएबल अपने अंदर डेटा रखता है, वैल्यूज़ रखता है, बट पॉइंटर अपने अंदर
वैल्यूज़ के रूप में एड्रेस को कंटेन करता है, और किसके एड्रेस को, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करता है। ठीक है, तो कैसे हम वेरिएबल बना पॉइंटर बनाएंगे, क्या उसका सिंटेक्स है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं इसको साइड रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ सिंटेक्स डिस्कस करता हूँ, क्या सिंटेक्स होता है पॉइंटर बनाने का। तो पॉइंटर का सिंटेक्स है डेटा टाइप। सबसे पहले डेटा टाइप आता है, फिर स्टार सिंबल, फिर पॉइंटर का नाम। ठीक है, पॉइंटर को शॉर्ट फॉर्म में मैंने PTR लिख दिया है। ठीक है, तो ये सिंटेक्स होता है पॉइंटर डिक्लेरेशन का, सिंटेक्स ऑफ डिक्लेरिंग पॉइंटर। ठीक है, तो जैसे हम एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप आता है, फिर वेरिएबल का नाम आता है, देन सेमीकोलन से हम टर्मिनेट करते हैं। लेकिन इसमें बीच में हमने क्या लगा दिया, एक स्टार का सिंबल लगा दिया। तो अगर हमने ये स्टार का सिंबल लगा दिया है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं बोलेंगे, ये एक स्पेशल वेरिएबल है, और ये है पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर के आगे हम क्या लगाते हैं, स्टार सिंबल लगाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम देखें तो डेटा टाइप हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिमिटिव भी हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने इंटीजर लिया, इंटीजर स्टार पी, पी नाम का मैंने एक पॉइंटर बना दिया। इसी तरह मैंने एक और पॉइंटर बनाया, कैरेक्टर स्टार क्यू, एक और पॉइंटर मैंने बनाया फ्लोट स्टार आर। ठीक है, मैंने तीन पॉइंटर्स बना दिए यहाँ पे, तीनों का डेटा टाइप मैंने अलग अलग दे दिया। ठीक है, पॉइंटर्स का डिक्लेरेशन हमने देखा, उसके बाद में पॉइंटर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको समझाता हूँ, जो कि हमें काफ़ी हेल्प करेंगे, आने वाले जो एग्ज़ाम्पल्स हम देखेंगे उसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो पॉइंटर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर, डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर इज सिमिलर टू दी वेरिएबल, डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर सिमिलर टू दी वेरिएबल, सिमिलर टू दी वेरिएबल हुज, डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर सिमिलर टू दी वेरिएबल्स डेटा टाइप, वेरिएबल्स डेटा टाइप हुज एड्रेस इज गोइंग टू कीप, गोइंग टू कीप। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा है, डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर सिमिलर टू दी वेरिएबल्स डेटा टाइप हुज एड्रेस इज गोइंग टू कीप। इस पॉइंट में मैंने आपको बताया है, जो पॉइंटर का डेटा टाइप होता है वो हमें कैसा रखना चाहिए, वो हमें ऐसा रखना चाहिए कि जिस तरीके का एड्रेस हम रखने वाले हैं, जिस तरीके के वेरिएबल का एड्रेस हम कंटेन करना चाहते हैं, पॉइंटर भी उसी टाइप का होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का, इंटीजर ए। तो अगर मुझे इस ए का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, बेस एड्रेस, वो स्टोर करना है किसी पॉइंटर में, तो पॉइंटर के अंदर मैं एड्रेस तो रख सकता हूँ, बट ये जो एड्रेस है वो एक इंटीजर ब्लॉक का एड्रेस है। तो मुझे इसको स्टोर करने के लिए जो पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी, वो पॉइंटर भी कैसा होना चाहिए, इंटीजर। मतलब यहाँ पे अगर तीन पॉइंटर हैं, तो मैं इस कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर इस इंटीजर ए वेरिएबल का एड्रेस नहीं रख सकता हूँ, इस फ्लोट पॉइंटर के अंदर मैं इस इंटीजर ए का एड्रेस नहीं रख सकता हूँ। अगर मुझे इस इंटीजर ए का एड्रेस रखना है, तो मुझे पॉइंटर कैसा चाहिए रहेगा, इंटीजर चाहिए रहेगा, जो सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया है, इंटीजर स्टार पी। इस इंटीजर पॉइंटर पी के अंदर मैं इस इंटीजर वेरिएबल ए का एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि जो वेरिएबल है
वो भी इंटीजर है और पॉइंटर भी इंटीजर है ना, तो ये एक दूसरे के लिए क्या है, सूटेबल है। तो वेरिएबल का एड्रेस और पॉइंटर का एड्रेस सेम होना चाहिए, ठीक है। ये तो एक पॉइंट हुआ। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, पॉइंटर आर रीड फ्रॉम, पॉइंटर आर रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पॉइंटर आर रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, जो पॉइंटर हम बनाते हैं तो उसको रीड करने का क्या तरीका होता है, उसको हम राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया है इंट स्टार पी, तो इसको मैं कैसे रीड करूँगा, रीड अस, ठीक है। इसको रीड करने का मेरा तरीका रहेगा, इसको मैं इस तरीके से पढ़ूंगा, इसको मैं राइट टू लेफ्ट पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे पी लिखा हुआ है, तो मैं इसको बोलूँगा पी इज़ अ पॉइंटर टू अ इंटीजर, पी इज़ अ पॉइंटर टू अ इंटीजर, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलूँगा जो पी है वो एक पॉइंटर है, इस स्टार को देखते हुए मैंने क्या बोला, पी एक पॉइंटर है और कैसा है, इंटीजर को पॉइंट करने के लिए है ये, पी इज़ अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, पी एक पॉइंटर है जो कि एक इंटीजर को पॉइंट कर सकता है। इसी तरह यहाँ पे मैं लिखूँगा क्यू इज अ पॉइंटर, क्यू इज अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर, क्यू इज अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर, ठीक है। क्यू एक पॉइंटर है, क्यू इज अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर, क्यू इज अ पॉइंटर, क्यू एक पॉइंटर है, कैरेक्टर को पॉइंट कर सकता है ये, क्यू इज अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर, ठीक है। क्यू नाम का एक पॉइंटर है जो कैरेक्टर को पॉइंट कर सकता है, मतलब कैरेक्टर का एड्रेस इसके अंदर रख सकता है, ठीक है। इसी तरह आर एक पॉइंटर है जो फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर रख सकता है, फ्लोट को पॉइंट कर सकता है, तो इसको हम बोलेंगे आर इज अ पॉइंटर टू अ फ्लोट, ठीक है। पी इज अ पॉइंटर टू एन, यहाँ पे एन लगाना चाहिए था वैसे मुझे, ठीक है। पी इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, क्यू इज अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर, आर इज अ पॉइंटर टू अ फ्लोट। तो ये दो पॉइंट डिस्कस कर लिए, उसके बाद एक पॉइंट और, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा साइज ऑफ पॉइंटर, साइज ऑफ पॉइंटर इज 2 बाइट्स, साइज ऑफ पॉइंटर इज 2 बाइट्स, साइज ऑफ पॉइंटर इज 2 बाइट्स एंड डज नॉट डिपेंड ऑन दी डेटा टाइप, साइज ऑफ पॉइंटर इज 2 बाइट्स एंड डज नॉट डिपेंड ऑन दी डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है जो पॉइंटर का साइज होता है, साइज ऑफ पॉइंटर इज 2 बाइट्स, और किसी पॉइंटर का जो साइज होता है वो 2 बाइट्स का होता है और वो डेटा टाइप पे डिपेंड नहीं करता। मतलब यहाँ बोला है कि जो पॉइंटर होता है वो हमेशा 2 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है। जो मेमोरी स्पेस पॉइंटर के लिए ज़रूरत होता है वो 2 बाइट्स का होता है और ये डेटा टाइप पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ये हमने जो इंटीजर पॉइंटर बनाया है वो भी 2 बाइट की मेमोरी लेगा, कैरेक्टर पॉइंटर भी 2 बाइट की मेमोरी लेगा, फ्लोट पॉइंटर भी 2 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करेगा, ठीक है। अगर नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल होता है तो वो 2 बाइट की मेमोरी लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट कंज्यूम करता है, बट पॉइंटर डेटा टाइप पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन दी डेटा टाइप। पॉइंटर हमेशा 2 बाइट कंज्यूम करता है, भले ही वो इंटीजर हो या कैरेक्टर हो या फ्लोट हो,
जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं उसमें डेटा टाइप के अकॉर्डिंग मेमोरी ब्लॉक्स का साइज चेंज हो जाता है। इंटीजर 2 बाइट लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है। बट पॉइंटर, भले ही वो इंटीजर हो या कैरेक्टर हो या फ्लोट हो, वो हमेशा 2 बाइट की मेमोरी को कंज्यूम करता है, क्योंकि एड्रेस रखने के लिए जो स्पेस की ज़रूरत होती है वो 2 बाइट का स्पेस रिक्वायर्ड होता है। तो पॉइंटर हमेशा 2 बाइट कंज्यूम करता है, भले ही वो एड्रेस किसी का भी रखना हो, बट एड्रेस रखने के लिए जो स्पेस की ज़रूरत है वो 2 बाइट की ज़रूरत है, इसीलिए पॉइंटर हमेशा 2 बाइट कंज्यूम करता है। ठीक है, तो हम पॉइंटर के अंदर, हमने बोला कि पॉइंटर के अंदर हम क्या रख सकते हैं, एड्रेस को रख सकते हैं किसी वेरिएबल के। तो कैसे हम एड्रेस को रख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या उसका तरीका रहेगा। पॉइंटर डिक्लेयर करने का सिंटेक्स तो हमने देख लिया। अब पॉइंटर के अंदर अगर एड्रेस डालना हो, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, उसका एड्रेस, पहला एड्रेस जो है स्टार्टिंग एड्रेस वो 100 है। अब इस ए के एड्रेस को मुझे किसी पॉइंटर में डालना है, तो एक चीज़ हमने बात की थी कि इंटीजर वेरिएबल है तो पॉइंटर भी कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो मैंने एक इंटीजर पॉइंटर बनाया, नाम में कुछ भी रख सकता हूँ पॉइंटर का, तो मैंने नाम इसका रख दिया पी। ये एक पॉइंटर है, कैसे पता चला, क्योंकि ये स्टार सिंबल दिया हुआ है डिक्लेरेशन के टाइम पे। अब इस पी को मुझे इनिशलाइज करना है, मतलब इस पॉइंटर के अंदर मुझे एड्रेस को डालना है। तो मैं केवल पॉइंटर का नाम लिखूंगा, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर। अब पॉइंटर के अंदर मुझे एड्रेस डालना है किसका, ए का। तो किसी भी वेरिएबल का जब हमें एड्रेस निकालना होता है तो हम ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाते हैं, एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो ऐसा लिखने से एड्रेस ऑफ ए लिखा तो इससे क्या होगा, जो ए का स्टार्टिंग एड्रेस होगा 100 वो हमें मिल जाएगा, और वो असाइन हो जाएगा किसके अंदर, पी नाम के पॉइंटर के अंदर। ठीक है, ये एम्परसेंट का जो सिंबल है इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यहाँ बोलेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊँ, मैंने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया। ठीक है, एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर भी मेमोरी में स्पेस कंज्यूम करेगा, ये पी नाम का पॉइंटर है, इसका भी खुद का कुछ एड्रेस है, सपोज 200 से 200, टू पॉइंटर 2 बाइट का मेमोरी लेगा। तो ये 200 से स्टार्ट हो रहा है तो 202 पे एंड होगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एड्रेस डाल दिया ए का, ए का एड्रेस जो पहला एड्रेस है स्टार्टिंग एड्रेस 100, वो चले जाएगा इस पी के अंदर। तो इस पी के अंदर ए का एड्रेस आ गया 100। ठीक है, एड्रेस एक्चुअल में जो होता है हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, बट अभी मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 100 आ गया। तो अब ये जो पॉइंटर है इस लोकेशन को वो पॉइंट कर रहा है ना। अब पॉइंटर की मदद से काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, पॉइंटर की मदद से हम इस एड्रेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। एक तो हमें ये एड्रेस मिल जाएगा, और हम चाहें तो इस एड्रेस पे जाके ये डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं, और इस एड्रेस पे जाके जो डेटा है ए का उस डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। पॉइंटर काफ़ी पावरफुल होता है, पॉइंटर पे जाके आप, पॉइंटर से एक तो आप ये एड्रेस कभी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ए का एड्रेस हमें शो करना है कहीं, यूज़ करना है। ठीक है, उस एड्रेस से लेके हमें किसी दूसरी लोकेशन पे जाना है, या तो फिर हमें उस एड्रेस पे जाके डेटा को एक्सेस करना है, या उस एड्रेस पे जाके डेटा को चेंज करना है। तो ये सारी ही चीज़ें हम पॉइंटर से कर सकते हैं। तो ये तो पॉइंटर के बेसिक्स थे। पॉइंटर को मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, काफ़ी सारे वीडियोस में अपलोड करने वाला हूं। तो एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए ये काफ़ी एक अच्छा चैनल है। और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी सुझाव हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।